नमस्कार जोहार आदाब, मैं अमित सिंह आशुतोष आनंद के साथ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज गोड्डा। समय है दिन भर की कुछ खास खबरों का, तो आइए चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। नहीं रुक रहा अवैध बालू का उठाव। मुंबसी थाना क्षेत्र के जमनी पारपुर के सिंहवानी मंदिर के बगल से अवैध बालू का उठाव धड़ल्ले से चल रहा है। आज इस अवैध बालू को रोकने के लिए जब गुड्डा एसडीओ जब मौके पर पहुंचे तो उनसे आने से 10 मिनट पहले सभी ट्रैक्टर मालिक अपना ट्रैक्टर लेकर फरार हो चुके थे। जब इस विषय पर एसडीओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई थी कि बालू का अवैध उठाव वहां पर जारी है, इसको रोकने के लिए जब यहां पहुंचे तो लेकिन हमारे पहुंचने की सूचना उन्हें कहीं से मिल गई थी और वो फरार हो गए। लेकिन बालू की अवैध उठाव को रोकने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास करेगी और इसे सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आज यहां आने का क्या पर्पस रहा? यहाँ सूचना मिली थी कि बालू का अवैध उठाव हो रहा है ट्रैक्टरों से। वो प्राप्त सूचना के अनुसार ही यहाँ पर आए थे। जो बालू का अवैध कारोबारी है उनको पकड़ने के लिए, इससे पहले उन लोगों का जो गुप्तचर एजेंसी है उन लोगों के द्वारा पहले ही इन लोगों को सूचित कर दिया गया। सारे ट्रैक्टर लेके भाग गए ट्रैक्टर मालिक। सर आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। प्रयास है कि बालू का अवैध बंद करा। जमीन पर दावेदारी को लेकर दो गुटों में हुई मारपीट। नगर थाना क्षेत्र के नहर चौक के पास जमीन के लिए दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि कलाल मियां, इकरार मियां, बारिक मियां इत्यादि के नाम पर जमीन की डिग्री यानी फैसला हुआ है, लेकिन मुस्तकीम आलम उप छोटू मियां ने जमीन को भाड़े पर लिया था। अब उस जमीन पर अपने दावेदारी दिखा रहे हैं। इस बात को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हो रही थी किनको बोल रहे थे जमीन खाली करने के लिए आप लोग? ये क्या छोटे छोटे मुस्तकीम, ये जमीन आप लोगों की है? हाँ, उनको खाली करने के लिए? हाँ, खाली करने बोल रहे हैं। झूठ बोल के भाड़ा रखवा लिए घर। आज खाली करेंगे, कल खाली करेंगे। भाड़ा दीजिए रखेंगे और जमा कई करेंगे, कल जा कर करेंगे, कल करेंगे। खाली करके जब हम लोग खाली करवा रहे हैं तो नहीं करेंगे। धनतेरस धमाका, होंडा की धमाकेदार ऑफर, 10,000 तक की छूट किसी भी बाइक के खरीदने पर और एक्सचेंज ऑफर पर 1,500 का भारी डिस्काउंट। बॉयजोर प्रखंड के डुमरिया इत्यादि गांव के ग्रामीणों ने बोरियो विधायक ताला मरंडी को जन वितरण प्रणाली से राशन समय पर ना मिलने की शिकायत की थी। वहीं इस पूरे मामले पर तत्परता दिखाते हुए विधायक ताला मरंडी ने अपने आवास पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को बुलाकर ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसमें प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ओम प्रकाश मेहरा ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सभी लाभुकों के बीच सामग्री वितरण कर दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी जन वितरण केंद्रों के संचालक पर FIR किया जाएगा। पथरगामा क्षेत्र के हिलावे ग्राम निवासी मुन्ना गुप्ता, घाट अमरपुर निवासी सदानंद गुप्ता, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष बसंतराय आदित्य गुप्ता, तीनों ने संयुक्त रूप से बालू माफियाओं के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार के चलान पर झारखंड की नदी से बालू उठाव कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने पथरगामा और बसंतराय थाना में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आदित्य गुप्ता ने बसंतराय थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बालू ट्रैक्टर पकड़ने पर रास्ते से ही छोड़ देते हैं। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत जिले के वरीय पदाधिकारी से करेंगे। बसंतराय प्रखंड में छठ को लेकर जहां लोग उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ छठ के उस क्षेत्र का सबसे बड़ा घाट सनोर घाट, जो कि गेरवा नदी पर स्थित है, नदी में पानी नहीं होने के कारण चिंता का विषय बना हुआ है। यहां के हजारों छठ व्रतियों के चेहरे पर चिंता साफ देखने को मिल रही है। नदी में पानी नहीं होने से छठ पर्व कैसे होगा, ये एक दुखद विषय है। पूरे जिले में बारिश नहीं होने की वजह से लगभग यही आलम है। छठ पर्व झारखंड बिहार का एक अहम पर्व माना जाता है, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने की वजह से सभी घाट सूखे पड़े हैं। पोड़ियाहाट के पिपराजोरी गांव में एक कुएं में लाश मिली थी। इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया है। थाना प्रभारी सुधीर सिंह की टीम ने इस अनसुलझे केस को कल सुलझाया है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने ससुराल आया था। आपसी विवाद के कारण पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर पत्थर से मार मारकर उसकी हत्या कर दी। लाश को छुपाने के लिए लाश को कुएं में फेंक दिया। तालामय मरंडी ने अपने भाई महादेव मरंडी और ताला मरंडी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इस हत्या के जुर्म में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पथरगामा थाना अंतर्गत विस्तारा पंचायत आवराटाण गुड्डा गांधीग्राम मुख्य मार्ग पर गुड्डा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार बंधनवार निवासी संजय भगत और उनकी भाभी को गंभीर रूप से चोट आई है। टक्कर सामने से होने की वजह से चोट ज्यादा लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑटो ड्राइवर ऑटो छोड़ मौके से फरार हो गया। ऑटो को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। टक्कर हो गया,
आतंकवादी लोग गिर गया, दोनों बेहस हो गया वहाँ। ऑटो वाला, ऑटो वाला ऊपर चढ़ के भाग गया। लोग बबला बबला बोलते हैं और तो ये भाभी लगती है बनरवा घर वाई लोग। हाँ वही बगल के पड़ोसी है, बोरियो विधानसभा के विधायक ताला मरंडी के आवास पर वारिजोर प्रखंड के स्वयं सेवकों ने विधायक को अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। स्वयं सेवकों ने कहा कि हमें पंचायत स्तर पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन हमें समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है। स्वयं सेवकों ने 18,000 प्रतिमाह मानदेय की मांग रखी है। आज महागामा बसवा पंचायत के झारखण्ड फिल्म निर्माता संघ झारखण्ड कला रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में संघ के प्रमुख उमा शंकर जी मौजूद थे। गोड्डा ललमटिया दुमका देवघर आदि जिलों से कलाकारों का जुटान हुआ था। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज गोड्डा।